हेलो एवरीवन, कुकिंग तड़का विद पूजा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हम सबका फेवरेट पानी पूरी की रेसिपी। हम घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं पानी पूरी, बिल्कुल बाजारों के स्वाद जैसा कुरकुरी, चटपटा, मज़ेदार पानी पूरी। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिससे कि हमारी पानी पूरी परफेक्ट बने। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। पानी पूरी परफेक्ट बनाने के लिए हमें मेजरमेंट का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे हम लेंगे आधा कप सूजी और इसमें हमें डालना है 2 चम्मच मैदा। यहाँ पे हम 2 चम्मच डालेंगे। सूजी और मैदा को सबसे पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है चम्मच से, देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आधा कप सूजी से बना रहे हैं पानी पूरी। अगर आपको 1 कप से बनाना है तो आप इसमें 4 चम्मच मैदा डालें। हमने आधा कप में 2 चम्मच मैदा डाले हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमें पानी गर्म कर लेना है। पानी पूरी की डो तैयार करने के लिए हमें बिल्कुल उबला हुआ पानी चाहिए। यहाँ पे हम लेंगे 1/4 कप पानी, बिल्कुल गर्म चाहिए हमें पानी। यहाँ पे 1/4 कप पानी से हमारा डो परफेक्ट तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि पानी हमारा गर्म है। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए हाथ लगाने लायक, तो फिर हम इसे हाथ से गूंद लेंगे आटे को। मिलाते हुए ये थोड़ा ठंडा हो गए हैं, अब इसे हम हाथों से गूंद लेते हैं अच्छे से। हमें इसे ज़्यादा नहीं गूंदना है, बस 3 मिनट के लिए हमें इसे गूंदना है। 3 मिनट अच्छे से इसे गूंद ले। फ्रेंड्स, अगर आप पानी पूरी के लिए डो परफेक्ट तैयार करेंगे तो बिल्कुल आपके पानी पूरी कुरकुरी बनेगी, बिल्कुल बाजारों के जैसा। बस हमें इसे परफेक्ट बनाने के लिए मेजरमेंट का ध्यान पूरा रखना पड़ता है। हमने डो को गूंद के अच्छे से तैयार कर लिया, देखिए देखिए हमें इस तरह से डो को तैयार कर लेना है। इसे हमें 15 मिनट के लिए ढक के रख देना है सेट होने के लिए। 15 मिनट हो गए, हम डो को देख लेते हैं। थोड़ा सा हम डो को और मसल लेंगे, बस थोड़ा सा मसलना है इसे अभी। अब इसमें से हमें छोटे छोटी लोई तोड़ के तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पे लोई तोड़ लेती हूँ, देखिए बस हम यहाँ पे छोटा छोटा लोई तोड़ के तैयार कर लेते हैं। हमने लोई तोड़ के तैयार कर लिया। अब इस तरह से करते हुए हमें रख लेना है, देखिए इस तरह से गोल करते हुए आप थोड़ा चपटा कर दें और इसी तरह से सारे बना के रख लें। हमने सारे लोई तैयार कर लिए, देखिए। अब हमें थोड़ा सा मैदा लेना है, देखिए इतना, और सारे लोई में मिक्स कर लें। यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि बेलने में हमारी आसानी होगी। अब हमें ले लेना है चकला और इसे बिल्कुल पतला बेलना है हमें। मैं यहाँ पे बेल के तैयार कर लेती हूँ, देखिए इस तरह से बेल लेना है। आप इसे बिल्कुल पतला ही बेलें। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इतना पतला रखना है हमें। इसी तरह से हमें सारा बना के तैयार कर लेना है। मैं इसे रख लेती हूँ एक प्लेट पर। मैं आपको एक और बेल के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम एक लोई लेंगे और बिल्कुल पतला बेल के तैयार कर लेंगे, देखिए इस तरह से। सेम प्रोसेस से हम सारे पूरी बेल के तैयार कर लेंगे।
देखिए इस तरह से अगर आप पूरी बेलेंगे तो बिल्कुल आपका कुरकुरी बनेगी पूरी। हम सारे पूरी बेल के तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स पूरी बेलने के बाद आपको 10 मिनट के लिए इसे रख देना है। 10 मिनट के बाद ही हमें इसे फ्राई करना है। देखिए 10 मिनट हो गए हैं और हमें इसे किस तरह से फ्राई करना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाली जो परत है हमारी वो सूख के तैयार है, तो इसे हमें ऊपर ही रखना है तेल में। तो आप हाथों में इस तरह से लें, आप सूखे वाले को नीचे कर लें और जो गीला वाला परत है उसे ऊपर कर लें। जब हम इसे तेल में डालेंगे तो गीला वाला नीचे चला जाएगा और सूखा वाला ऊपर होगा। यहाँ पे हमने साइड में तेल गर्म करने के लिए रख दिया था और हमने इसमें डाल दिया पूरी। पूरी को डालते ही आप थोड़ा पूरी पे प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी फूल के तैयार हो जाएंगी। फ्रेंड्स आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका परफेक्ट बनेंगे पूरी। हमें इसे मीडियम फ्लेम में कुरकुरी होने तक फ्राई कर लेना है दोनों तरफ से। आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली बनी है हमारी पूरी। इसी तरह से हम सारे पूरी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। पूरी हमने अच्छे से फ्राई कर लिए, इसे निकाल लेते हैं। कुरकुरी पूरी बनके हमारे तैयार है। इसी तरह से हम सारे पूरी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स आप पूरी डालते समय पूरा ध्यान रखें, आपको गीला वाले को नीचे करना है और सूखे वाले को ऊपर रखना है, तभी आपके परफेक्ट पूरी बनके तैयार होंगे। और जैसे आप पूरी डालें आप स्पैचुला को थोड़ा सा दबाएं तो आपके पूरी फूल के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। देखिए जिस तरह से हम कर रहे हैं, इस तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपकी पूरी फूली फूली और कुरकुरी बनके तैयार होगी। सबसे पहले हमें तेल को पूरा गर्म कर लेना है, फिर हमें इसे लो फ्लेम में कर लेना है और फिर हमें पूरी को तल के तैयार कर लेना है कुरकुरी होने तक। बस सेम प्रोसेस करते हुए हम सारी पूरी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हम पूरी को अच्छे से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, इसे भी निकाल लेते हैं हम। इसी तरह से हम सारे पूरी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारे पूरी फ्राई करके तैयार कर लिए। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी कुरकुरी बनी है, आपको आवाज़ से पता चल गए होंगे। मैं आपको चूर करके दिखाती हूँ। देखिए कितना परफेक्ट बना है हमारा पूरी, बिल्कुल चूर चूर हो गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पानी बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, दो हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। इन सबको हमें जार में डाल देना है। और इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल के पीस के तैयार कर लेना है। इसे पीस के तैयार कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसे पीस के तैयार कर लिया, आप इसमें थोड़ा पानी डाल के ही पीसें। यहाँ पे हम लेंगे एक पतीला और इसमें हम डालेंगे एक लीटर पानी। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने फ्रिज का पानी लिया है ठंडा, आप चाहें तो बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉर्मल पानी का भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमें पानी में डाल देना है 4 चम्मच चटनी जो हमने पीस के तैयार किए थे। देखिए 4 चम्मच डाल लें और इसे अच्छे से मिला लें। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हमें डाल देना है 1/2 चम्मच भुनी हुई जीरा, 1/2 चम्मच काला नमक। इन सबसे टेस्ट बहुत ही अच्छे आते हैं पानी में। और इसमें हमें डालना है इमली चटनी। यहाँ पे हमने इमली को फुला के पीस के तैयार कर लिया है। यहाँ पे हम इमली चटनी को 4 चम्मच डाल देंगे। खट्टा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डालें फ्रेंड्स। हमने 1/2 चम्मच काला नमक का इस्तेमाल किया है और 1/2 चम्मच हमने नॉर्मल नमक का इस्तेमाल किया है। और इसमें हमें डाल देना है 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। पानी बनके हमारा तैयार है।
नेक्स्ट हम चलते हैं आलू मसाला बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पे हम लेंगे एक बाउल और हमने ले लिया है उबले हुए आलू। हमने 5 आलू को उबाल के तैयार कर लिया है, इसे बाउल में डाल दे। हमें इसे थोड़ा मैश करके तैयार कर लेना है, हमें पूरा चोखा नहीं बनाना है, इसे हल्का से इसे मैश करना है। देखिए इस तरह से करके तैयार कर ले आप। यहाँ पे हमने इसे हल्का मैश करके तैयार कर लिया। अब इसमें हमें डाल देना है 2 चम्मच चटनी, जो हमने पुदीना और धनिया पत्ता को पीस के तैयार किया था। आलू में भी हमें डालना है इसे, यहाँ पे हम 2 चम्मच डाल दिए हैं। अब इसमें हमें डाल देना है उबले हुए काबली चना। चना को हमने फुला के उबाल के तैयार कर लिया है, आप चाहें तो देसी चना भी डाल सकते हैं। और इसमें हमने डाल दिया 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर, 1/2 चम्मच भुने हुए जीरा, थोड़ा सा काला नमक, नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें फ्रेंड्स। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स अगर आपको आलू मसाले में प्याज नहीं पसंद है तो आप नहीं डालें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बारीक कटी हुई प्याज, आपको पसंद है तभी डालें। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। टेस्टी आलू मसाला बनके हमारा तैयार है, आप इस तरह से जोर से बनाइए। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहे हैं हमारे आलू मसाला। अब हम पानी पूरी प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्लेटिंग कर लिया पानी पूरी। टेस्टी मज़ेदार पानी पूरी बनके हमारा तैयार है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करिए, बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।